आचार्य जी, देश में इस वक्त बलात्कार का मुद्दा बहुत सुर्खियों में है और कहा जा रहा है कि इसका कारण प्रदूषित होती संस्कृति है और जिस तरह की मूवीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, जैसी वेब सीरीज़ बन रही है। इसी संबंध में एक अभिनेत्री हैं, वो कह रही हैं कि बलात्कार या महिलाओं पर उत्पीड़न किसी भी रोल के कारण नहीं होता है। जो मूवीज़ में वो खुद प्ले करती हैं, कोई और प्ले करता है, वो पुरुष वर्ग की मेंटेलिटी के कारण होता है। ये बात मुझे कुछ हद तक सही भी लग रही है, कुछ गलत भी लग रही है। आपसे इस पर चर्चा करना चाहता हूँ। देखो, कारण तो आदमी के भीतर जो विकृत पशुता बैठी है वही है। सवाल ये है कि ऐसे कर्मों को भड़का कौन रहा है, और उसको भड़काने वाले, उसमें भागीदार होने वाले पुरुष और स्त्री दोनों होंगे। अब जिन अभिनेत्री का तुम नाम ले रहे हो, अगर वो कह रही है कि नहीं, हम पर्दे पर कितनी भी अश्लीलता करें, कितनी भी कामोत्तेजना लोगों में भड़काएं, लेकिन हम जो कुछ पर्दे पर कर रहे हैं, जो हम लोगों के भीतर कामुकता भड़का रहे हैं, उस कामुकता का समाज में औरतों के प्रति जो दृष्टि है, उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा, तो ये तो बात निसंदेह गलत ही है ना। सीधी सी बात है, एक लड़का है या पुरुष है, वो एक फिल्म देखने जाता है और वहाँ उसको पर्दे पर जानबूझकर ऐसा माल परोसा जा रहा है जो उसके भीतर यौन भावना बिल्कुल उत्तेजित कर देता है, उसके मन को एकदम भड़का देता है। ये लड़का जब उस मूवी थिएटर से बाहर निकल के सड़क पर आएगा, गलियों पर आएगा, तो इसके मन पर उन अश्लील दृश्यों का, गानों का प्रभाव तो है ही। अब उसी प्रभाव के अनुसार फिर वो औरतों, स्त्रियों, लड़कियों को देखेगा, अश्लील हरकतें भी करेगा। अब ये सब बोल करके साफ सी बात है कि मैं उस लड़के का ना तो पक्ष ले रहा हूँ, ना उसको बरी कर रहा हूँ। उसकी भरपूर गलती है, उसकी उसको सज़ा मिलनी भी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो ये कहा जाता है कि नहीं, पर्दे पर जो हो रहा है वो तो साहब कलाकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और आप पर्दे पर जो भी देखें कोई बात नहीं, लेकिन आप बाहर जा करके खुद अपने आप को संभालें। ये बात बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बेईमानी से भरी हुई है, और कोई दो राय नहीं कि ये गलत है बात। देखिए, आप किसी मंदिर या मस्जिद से कोई भड़काऊ भाषण दे देते हैं लाउड स्पीकर पर, ठीक है, जिसके कारण दंगे हो जाते हैं, तो माना जाता है कि ये कम्युनल एंसाइटमेंट का केस है, ठीक है। आपने लाउड स्पीकर से कुछ बोला, और आपने भड़काने की नीयत से ही बोला, और आपने भड़काने के कारण जो बोला उसके कारण हत्याएं हो गई, तो आप कहते हो ये कम्युनल एंसाइटमेंट है जिसके कारण मर्डर हो गया। और सिनेमा के पर्दे से आप जो अश्लील हरकतें कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, उनके कारण जब सेक्सुअल इंसाइटमेंट हो रहा है और उससे रेप हो रहा है, तो आपको जेल क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं पूछ रहा हूँ, मंदिर से, मस्जिद से लाउड स्पीकर पर आप भड़काऊ भाषण दे दें, तो उसे कम्युनल इंसाइटमेंट माना जाता है, और उस कम्युनल इंसाइटमेंट के कारण कहीं कोई हत्या हो जाए, तो उस हत्या के लिए उसको जिम्मेदार माना भड़काने वाले को जेल में डाल दिया जाता है। इसी तरीके से सिनेमा के पर्दे पर एक सेक्सुअली एक्साइटिंग दृश्य दिखाया जा रहा है जानबूझकर दर्शकों को भड़काने के लिए, और उस सेक्सुअली एक्साइटिंग दृश्य के कारण दर्शक भड़क जाता है और बाहर बलात्कार हो जाता है, तो फिर ये जो पर्दे पर भड़का रहा था, इसको क्यों नहीं सजा होनी चाहिए? आप ये नहीं कह सकते ना कि आपने किसी को सांप्रदायिक आधार पर भड़का दिया,
तो ये आपने गलती करी। लेकिन अगर आपने किसी को यौन आधार पर, सेक्सुअल आधार पर भड़का दिया, तो आपने कोई गलती नहीं करी। गलती दोनों में बराबर की है, और दोनों ही गलतियों का नतीजा बेगुनाहों को भुगतना पड़ता है। दंगों में भी अक्सर बेगुनाह मारे जाते हैं, और किसी व्यक्ति के अंदर जबरदस्त कामोत्तेजना भड़की हुई है, वो जाकर बलात्कार कर देता है, इसमें भी कोई बेगुनाह ही उत्पीड़ित होता है। कोई बेचारी लड़की, कोई बेचारी स्त्री, वो पकड़ी गई, मारी गई, वो जो मारी जा रही है, जिसके साथ यौन शोषण हो रहा है, उस यौन शोषण के लिए एक नहीं कई ताकतें जिम्मेदार हैं। उन सब ताकतों को पकड़ा जाना चाहिए। पूरी इकोलॉजी है। वो पूरी एक इकोलॉजी है, और उस इकोलॉजी में सबसे आगे आगे तो वही है ना, जो लोगों को भड़का रहे हैं सेक्सुअल रूप से। जो सेक्सुअल रूप से भड़का रहे हैं, वो सीधे नहीं बोलेंगे कि ये तो हमारा धंधा है, इसी से हमारी रोटी चलती है। ये जो अभिनेत्री हैं, सीधे नहीं बोलेंगी कि और इनको कोई काम मिलता नहीं है, बेरोजगारी है, इसी तरीके के रोल करती हैं जब, तो इससे इनका घर चलता है, पेट चलता है, रोटी चलती है। तो घर और पेट चलाने के लिए ये पर्दे पर जबरदस्त अश्लीलता परोसती हैं, और उस अश्लीलता के कारण समाज में फिर कितने भी तरह के विकार हों, अपराध हों, उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती। वहाँ पे ये बिल्कुल तेज आवाज में और तुनक करके बोल रही हैं कि नहीं साहब, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमें तो जो मन करेगा पर्दे पे परोसेंगे, और उसके कारण जो अपराध हो रहे हैं, उसकी गलती सिर्फ अपराधी की है। नहीं, अपराधी वो तो है ही, जिसने अपराध किया, आप भी अपराधी हैं, और ये आपको स्वीकारना पड़ेगा। क्योंकि पिछले एक दशक में, चाहे दिल्ली में निर्भया वाला कांड था, या फिर उसके बाद और भी वाक्य ऐसे दुखद वाक्य आते गए, हमेशा ये देखता हूँ कि जब भी कुछ ऐसा होता है, हमेशा ये पूछा जाता है हु इज़ द रेपिस्ट, और फिर उसको पकड़ लिया जाता है, सज़ा मिल जाती है, और फिर बात आगे बढ़ जाती है। बट इट इज़ नेवर आस्क्ड हु हाउ इज इज़ द बिहाइंड द रेपिस्ट, रेपिस्ट एंड हाउ डिड द रेपिस्ट बिकम द रेपिस्ट, हाउ, आई मीन हु इज प्रोड्यूसिंग द रेपिस्ट, हाउ इज द वेयर इज रेपिस्ट द रेपिस्ट बॉर्न, कमिंग फ्रॉम, वो क्या उस रेपिस्ट का जन्म कहाँ से होता है, क्योंकि माँ के गर्भ से तो कोई रेपिस्ट नहीं आता। कौन है जो उसको रेपिस्ट बनाए और दे ऐसे रहा है? हाइपर सेक्सुअल मेन जो औरत को सिर्फ बॉडी की तरह देखते हैं, ये किस फैक्ट्री में पैदा हो रहे हैं? कौन सी ताकतें हैं सामाजिक जो इनके राइट ऊपर काम कर राइट रही हैं, ये कोई नहीं क्योंकि पूछता। जब मैंने उनके स्टेटमेंट को पढ़ा कि इट्स नॉट द रोल्स बट योर मेंटेलिटी, मुझे तो सिंपल एक जो मार्क्सिज्म का कोर प्रिंसिपल है कि जितने भी कल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिर्फ रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट भी करते हैं समाज को और हमारे मन को। तो जो रोल है वही तो मेंटेलिटी को भी बना ही जब रहा वो है बोल ना, रही है कि पुरुषों की मेंटेलिटी खराब है, तो ये भी तो पूछना पड़ेगा वो वो मेंटेलिटी मेंटेलिटी बनाई खराब कैसे किसने। हुई वो तुम्हारे ही जैसे, उन्हें घटिया पिक्चरों में घटिया रोल दिखा है। दिखा के मेंटेलिटी खराब बनाई है। और याद रखना होगा, इसमें हम उस पुरुष हाँ, के दोष को बिल्कुल दबा नहीं रहे, छुपा नहीं रहे, उसे पूरी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल अगर न्यायालय ये निर्धारित करे कि वो जो बलात्कारी है उसको फांसी पर चढ़ना चाहिए, तो उसे फांसी पर चढ़ना ही चाहिए, उसे कोई माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। बस थोड़ा डीपली प्रूव कर दें। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि एक की गलती निकाल करके उसके पीछे जो बाकी लोग हैं उनको आपने बरी कर दिया, तो बलात्कार होते ही रहेंगे। अगर बिल्कुल बलात्कारों को रोकने के प्रति हम वास्तव में गंभीर हैं, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बलात्कारी की मेंटेलिटी के पीछे कौन लोग हैं। देखिए, आप किसी को भड़काएं कि तुम आत्महत्या कर लो, तो ये गुनाह माना जाता है ना, अबेटमेंट टू सुसाइड। और आप किसी को यौनाचरण के लिए भड़काएं कि तुम जाओ और सेक्सुअल एक्टिविटी में लिप्त हो जाओ, तो ये क्यों नहीं गुनाह है? और जैसे एक आदमी को भड़काया जा सकता है आत्महत्या करने के लिए या सांप्रदायिक दंगे करने के लिए, वैसे ही एक आदमी को सेक्सुअल एक्ट के लिए भी तो भड़काया जा सकता है ना। और घटिया पिक्चरें काम ही यही करती हूँ, चलती इसीलिए हैं। आप किसी भी सोशल मीडिया पर जाकर देख लीजिए, बहुत सारा जो कंटेंट है जो ट्रेंड कर रहा होता है वो सेक्सुअल होता है, और वो बनाया ही इस तरह से गया होता है कि वो लोगों के भीतर सेक्सुअल भावना भड़काएगा, तभी तो वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्री हैं, ये कमाखा इसी चीज़ की रहे हैं कि अभिनय आता नहीं, पर्दे पर बताने के लिए इनके पास कोई अच्छी सार्थक कहानी है नहीं। सुंदर और ऊंचे स्तर का सिनेमा क्या होता है वो ये जानते नहीं, उसको प्रोड्यूस करना इनको आता नहीं।
तो ले देकर इनके पास एक हथकंडा रहता है, पर्दे पर जाकर नंगे हो जाओ और कुछ ऐसी चीज दिखाओ जो लोगों के भीतर बिल्कुल उनको भर दे काम के उन्माद से, और फिर लोग टिकट लेके खरीदेंगे, तुम्हारे घर पैसा आ जाएगा। और उस चीज को ये डिफेंड कर रहे हैं ये कह के कि नहीं साहब, हम पर्दे पर कुछ भी दिखा रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो लोगों की मेंटेलिटी ही खराब है। राइट। और ये भी कहा जा रहा है कि जो बात मुझे बहुत हद तक सही भी लगती है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि मैं सहमत भी हूँ उसके कुछ अंश से, आप जितना भी ऐसा सिनेमा देखिए, चाहे पोर्नोग्राफी भी देखिए, उसमें एक चीज़ होती है कि जो दो लोग सेक्सुअल एक्ट में एंटर कर रहे हैं, दे बोथ ऑलवेज हैव म्यूचुअल कंसेंट। तो चाहे कितना ही गिरा से गिरा हुआ सिनेमा हो, या फिर मतलब अगर ऐसी भी वेब सीरीज़ आ रही है जिसमें टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमेशा कंसेंट ज़रूर होता है। देखो, ये कंसेंट वाली जो चीज़ है ना, कंसेंट या फ्री विल, या कि साहब अपने अपनी सहमति से किया तो ठीक है, हमने अपनी सहमति के बिना किया तो गलत है, ये बात ठीक से समझनी पड़ेगी। नहीं समझी तो बहुत धोखा हो जाएगा। कंसेंट माने क्या होता है, फिर पुराने उदाहरण पर वापस जाओ, आपने किसी को भड़का दिया कि मारो, एक फलाना समुदाय के लोगों को मारो, इसलिए मारो क्योंकि वो लोग पापी हैं, या इसलिए मारो कि वो लोग काफिर हैं, तो ये लोग जो दंगा करेंगे ये तो यही बोलेंगे ना, अपनी स्वेच्छा से दंगा कर रहे हैं, हम अपनी फ्रीविल से दंगा कर रहे हैं, ये तो यही बोलेंगे ना। लेकिन उनकी फ्रीविल फ्रीविल है कहाँ, उनको फ्रीविल को तो उनके पीछे जो मास्टर्स बैठे हैं उन्होंने मैन्युफैक्चर करा है, निर्मित किया है, तो फ्रीविल कहाँ होती है। जब कहा जाता है उदाहरण के लिए कि दो लोग आपसी सहमति से अगर कुछ कर रहे हैं तो फिर इसमें किसी तीसरे आदमी को क्या आपत्ति हो सकती है, ये बात कुछ ही हद तक ठीक है, उसके आगे ठीक नहीं है। दो लोग आपसी सहमति से एक दूसरे का अगर गला काट रहे हैं तो फिर इसमें भी कानून को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दो लोग आपसी सहमति से अगर बैठ करके कहीं पर ड्रग्स फूंक रहे हैं तो फिर इसमें भी किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सवाल ये है कि वो जो व्यक्ति बैठा है जो अपनी फ्रीविल का इस्तेमाल कर रहा है, उसके पास फ्रीविल है भी क्या? उसकी फ्री विल पर तो ये सब सामाजिक प्रभाव वाले चढ़कर बैठ गए हैं। एक 16-18 साल का लड़का है, उसको तुम वेब सीरीज में लगातार जहर परोस रहे हो, उसके पास कहाँ फ्री विल है जिससे वो कंसेंट देगा, तो कंसेंट की क्या बात कर रहे हो। एक आदमी नशे में है, उसके कंसेंट की कोई कीमत है क्या? और नशा क्या सिर्फ वही होता है जो तुम्हें गांजे से चढ़ता है? तुम्हारे ऊपर मूर्खतापूर्ण और जहरीले प्रोपेगेंडा का असर है, ये जहर है तुम्हारे ऊपर कि नहीं है? ये भी तो जहर है, ये भी तो नशा है भाई। नशा एक तो ये है कि तुमने गांजा फूंक लिया तुम्हें नशा हो गया, और एक ये भी तो नशा है कि तुमने सिनेमा में या किसी किताब में कोई ऐसी चीज पढ़ ली जो तुम्हारे दिमाग पर बिल्कुल छा गई, ये भी तो नशा है। जब कोई गांजा फूंके रहता है तब तो तुम नहीं कहते कि वो जो भी कर रहा है स्वेच्छा से कर रहा है, वो ठीक ही कर रहा होगा, उसकी स्वेच्छा फ्री विल की बात है, अपनी कंसेंट से कर रहा है, तब तो तुम नहीं कहते ना। तो जिसका दिमाग तुमने कंडीशनड कर दिया है वो भी जो कुछ कर रहा है, उसके डिफेंस में तुम क्यों कहने लग जाते हो कि ये तो अपनी फ्री विल से स्वेच्छा से अपनी कंसेंट से कर रहा है। कंसेंट के पैरोकार बार बार ये बोलते हैं कि देखिए वो जो आदमी कर रहा है कोई भी काम, या कह रहा है कुछ भी, सोच रहा है कुछ भी, वो ऐसा कहने के लिए स्वतंत्र है, मुक्त है, फ्री है। मेरा सवाल यह है कि क्या वो वास्तव में फ्री है? फ्री कहाँ है? वो फ्रीडम यही थोड़ी होती है कि भाई हाथ में बेड़ियां नहीं है तो हम फ्री हैं। अगर दिमाग में बेड़ियां है तो क्या वो फ्री है? और उसके दिमाग में बेड़ियां डाल कौन रहा है? उसके दिमाग में बेड़ियां डालने वाले यही प्रोपेगेंडिस्ट्स हैं जो इस तरह का दुष्प्रचार करते हैं, फालतू की बातें फैलाते हैं। तो जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है ना कि वो अपने दिमाग की बेड़ियों के प्रति जागरूक रहे और कुछ ऐसा ना करे। मैं उस व्यक्ति की जिम्मेदारी से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के बहलाने फुसलाने में आकर के कोई अपराध कर देता है तो ज़्यादा बड़ी और पहली जिम्मेदारी किसकी है, मैं हमेशा गर्दन पकड़ूंगा उस व्यक्ति की जिसने अपराध किया। क्योंकि सर्वप्रथम ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके दिमाग पर जहरीले और ख़राब करने वाले तत्वों का असर ना होने पाए, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, तो अपनी ज़िंदगी को बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है।
तो उस बात में तो मैं कोई दो राय रखता ही नहीं, ठीक है, मैं उसमें सहमत हूँ तुमसे। भाई कोई मुझे आकर के भड़काए कि मैं अंशु को मार दूँ, और उसके भड़काने में आकर के मैं अंशु को मार दूँ, तो सबसे पहले तो मेरी गलती है कि मैं इतना मूर्ख हूँ क्यों कि उसने मुझे भड़काया, मैं भड़क गया। पर मुझे जो भड़का रहा है वो फिर जा करके बयान दे कि नहीं मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, तो मैं कहूँगा कि बेटा इधर आ तू, तेरी गलती कैसे नहीं है, चलो मैंने तो गलती करी तो करी, पर मेरे पीछे तो तुम खड़े थे ना, मुझे भड़काने वाले तो तुम थे ना, आप समझ रहे हो भाई। राम को वनवास मिला, वनवास देने वाले दशरथ थे, लेकिन दशरथ के पीछे केकई, केकई के पीछे मंथरा, तो सिर्फ दशरथ को क्यों नहीं कहते कि यही गलत काम कर रहे थे, यही पापी थे, इन्होंने राम को वनवास दे दिया, फिर केकई का नाम क्यों लेते हो, उनके पीछे फिर मंथरा का नाम क्यों लेते हो कि ये आई थी भड़काने के लिए, ठीक है। राज्य मिलना था दुर्योधन को, उसे भड़काने वाला शकुनी था, तो शकुनी का नाम क्यों तुम अनादर के साथ लेते हो, यही कहो कि दुर्योधन की गलती हो, भड़का क्यों, भाई दुर्योधन की गलती है पर क्या शकुनी की गलती नहीं है। अब ये जो शकुनी है सारे समाज के, और ये जो सब मंथराएं हैं, ये मंथराएं निकल निकल के आ रही हैं और बड़ी ठसक के साथ कह रही है नहीं हमारी तो कोई गलती नहीं है, हम पर्दे पर चाहे नंगे हो जाएं चाहे वाइब्रेटर चलाएं, ये तो पुरुषों की जिम्मेदारी है कि हम उन्हें भड़काते रहे और वो भड़के नहीं, हम मेनका बनते रहेंगे, और पुरुषों की जिम्मेदारी है कि वो ऋषि मुनि विश्वामित्र हो जाएं और उन पर किसी भी तरीके का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ पुरुषों को ऐसा ही होना चाहिए, काश कि हर पुरुष ऐसा हो जाए कि कोई भी उसे भड़काने की कोशिश करे उसमें कोई उत्तेजना आए ही नहीं, दूर का आदर्श है, ले बहुत दूर का आदर्श है। मैं क्या इन देवियों से सवाल ना पूछूं कि पहले तुम तो मुझे बताओ कि तुम क्यों इतना ज्यादा पर्दे पर नग्नता और अश्लीलता परोसती हो, ये जवाब क्या वो नहीं देंगी, ये जवाब देने की जगह जरा जरा शर्मसार होने की जगह वो और ज्यादा ऐंठ रही हैं। ये बात बहुत गलत है और इस बात से महिलाओं का शोषण रुकेगा नहीं, खेद की बात है कि आगे और बढ़ेगा। आप कह रहे हैं कि इंडिविजुअल्स को हंट करना कुछ हद तक ज़रूरी भी है, जो कि लॉ का काम है वो करेगा ही, पर एज सोशल रेवोल्यूशनरीज हमें उस स्ट्रक्चर को पकड़ना होगा जो बार बार ऐसे रेपिस्ट कर रहा है। स्ट्रक्चर भी कोई बहुत पीछे का नहीं है, बहुत ऑब्वियस सी बात है, प्रकट सी एकदम खुली बात है, ये मोबाइल में दिख रहा है। और ये बात ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ, ये बात ये नंगाई फैलाने वाले खुद भी जानते हैं, तभी तो नंगाई फैलाते हैं, उन्हें पता है यही बिकेगी चीज। और बात यह है कि बिक दूसरी भी चीजें सकती हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आप जनता को अच्छा सुंदर सार्थक कंटेंट दोगे तो जनता लेगी नहीं, पर वैसा कुछ बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। नंगा हो जाना आसान है भाई, जीवन में कुछ सार्थक करना मेहनत मांगता है, नंगे हो जाने में क्या, बटन खोलो नंगे हो जाओ, कैमरा ऑन करो, अपलोड कर दो या रिलीज कर दो, काम हो गया, लोग देखने चले आएंगे, बिल्कुल लोग देखने चले आएंगे। तो ये मेहनत नहीं करना चाहते हैं बढ़िया फिल्में बनाने की या बढ़िया वेब सीरीज बनाने की। मैं इनकार करता हूँ इस बात से कि अच्छा कंटेंट चलेगा नहीं या बिकेगा नहीं, लोग देखेंगे। कृष्ण की गीता इतनी पुरानी हो गई, क्या लोग आज भी नहीं पढ़ते? दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें आज भी वो हैं जो सबसे ऊंचे स्तर की सुंदर किताबें हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग ही घटिया हैं, लोग घटिया नहीं है, लोगों को घटिया बनाया जाता है चंद लोगों द्वारा, और ये चंद लोग जो बड़ी एक संख्या में आम जनता में घटिया मानसिकता फैलाते हैं, इनकी हिम्मत हिमाकत देखिए कि ये लोगों में घटिया मानसिकता फैलाने के बाद कहते हैं लोग ही घटिया हैं, हमारी क्या गलती है। डिमांड ये थी तो कि भाई लोग ही चाहते हैं कि अश्लीलता मिले उन्हें, तो फिर हम वल्गर कंटेंट उनको परोस देते हैं। नहीं, लोग ये चाहते नहीं है, तुमने लोगों को ऐसा चाहने पर मजबूर किया है, तुमने लोगों की आदतें बिगाड़ी हैं उन्हें घटिया कंटेंट खिला खिला के। ये ऐसी सी बात है कि कोई व्यक्ति हो और उसको आप बार 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 तला भुना खाना ही खिलाएं, उसको मांस ही मांस खिलाएं,
और यही मसालेदार खाने की जब उसको आदत पड़ जाए तो आप कहें हम क्या करें, वो तो ऐसा ही खाना मांगता है, वो ऐसा खाना मांग रहा है, लेकिन उसको ऐसा खाना खाने की आदत किसने डलवाई? तो आप तुरंत पलट करके तर्क दें कि नहीं, वो तो वयस्क है ना, एडल्ट है, वो चाहे तो साफ सुथरा हल्का खाना भी तो मांग सकता है, मांग क्यों नहीं रहा? बिल्कुल उसकी गलती है, ये बिल्कुल उसकी गलती है कि वो अब अपने लिए हल्का और सेहतमंद खाना नहीं मांग रहा, उसकी गलती से हम इनकार नहीं कर रहे, लेकिन आप अपनी गलती भी तो बताइए कि उसको बिगाड़ने में आपका कितना बड़ा हाथ है। आप भी तो बताइए कि आप सार्थक सिनेमा क्यों नहीं बना सकते। भाई इसी तरीके से अब कुछ भी है, फूहड़ता है किसी भी तरीके की, उसको कहा जाए कि ये तो समाज में चल रही है इसीलिए हम दिखाते हैं, वो समाज में चल रही है या उसे समाज में आपने चलाया है? दूसरी बात, जो कुछ समाज में चल रहा है उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी क्या है? उसको और बढ़ाएं या उसका समाधान करें, हल करें? भाई समाज में चारों तरफ नंगाई चल रही है तो आप बिल्कुल वही नंगाई पर्दे पर दिखा दीजिए, आपकी पिक्चर सुपरहिट हो जाएगी। आपकी ये जिम्मेदारी थी या आपकी ये जिम्मेदारी थी कि आप ऐसा सिनेमा बनाएं, ऐसा कंटेंट बनाएं जो उस नंगाई को या व्यभिचार को या अश्लीलता को या शोषण को कम करे, मिटाए? आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप उस जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, और आप जिम्मेदारी से पीछे ही नहीं हट रहे, आप अपराध में शामिल हो रहे हैं। जहाँ तक कंटेंट प्रोडक्शन की बात है, आज के समय में तो जो भी लोग ढंग का कंटेंट भी डालना चाह रहे हैं वो डरे हुए हैं कि उन्हें व्यूज ही नहीं आएंगे, फॉलोअर्स ही नहीं आएंगे, तो वो एक तरह का अब उसकी भी जिम्मेदारी किसकी है बताओ मुझे? एक बार आप कहीं के लोगों की आदत डलवा दें कि तुम्हें मांस ही मांस खाना है, बिल्कुल सब, और तला भुना भी खाना है। अब उस क्षेत्र में अगर कोई आकर के सेहतमंद खाना बेचना भी चाहे तो उसका रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये लोग जो गंदगी फैला रहे हैं समाज में सिनेमा के द्वारा, ये न सिर्फ समाज को खराब कर रहे हैं बल्कि जो अच्छे कलाकार और अच्छे फिल्म मेकर्स हैं उनका धंधा भी चौपट कर रहे हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसे माहौल का निर्माण कर रहे हैं जिसमें सिर्फ घटिया और गंदे लोग ही पनप सकते हैं, प्रॉस्पर कर सकते हैं, क्योंकि ये जनता का टेस्ट ही खराब करे दे रहे हैं ना, जनता का पूरा जो मन है, मेंटेलिटी है, आदत है, स्वाद है, वही खराब करे दे रहे हैं। अब कोई अच्छा आदमी आकर कुछ बोलेगा भी तो जनता उसे सुनेगी नहीं, तो जितने अच्छे लोग होंगे वो खुद ही पीछे हटते जाएंगे, गायब होते जाएंगे, कब्जा किनका होता जाएगा? ये इन्हीं सब फूहड़ अश्लील लोगों का। उसके पीछे मुझे प्योरली इकोनॉमिकल रीजंस लगते हैं, सिर्फ पेट चलाना, उन्हें पैसा मिलता है इस चीज से। वो ऐसा नहीं है कि उन्हें भी नंगा होने में कोई क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। ये झूठ बोलते हैं कि ये तो हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमारी क्रिएटिविटी है कि हम नंगा ही दिखाते हैं। कुछ नहीं है, तुम्हें इसका पैसा मिलता है। यही सब तुम कर रहे होते और तुम्हें पता होता कि ये करके तुमको एक रुपया नहीं मिलेगा, तुम बिल्कुल नहीं करते। तुम ये सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पैसे की हवस है, और तुम अपने पैसे के लालच और हवस के पीछे पूरे समाज को कूड़ा किए दे रहे हो, और तुम्हें लाज नहीं आती। आचार्य जी, इसी मुद्दे को इस वक्त हर आदमी अपने वेंटेज पॉइंट से देख रहा है। अगर कोई राजनेता है तो किसी एक पार्टी से, तो वो देख रहा है कि जहाँ पर रेप हुआ वहाँ कौन किसकी सरकार थी, वो उस हिसाब से अपना अपने रिमार्क्स रख रहा है सोशल मीडिया में। जो लोग फेमिनिस्ट्स हैं, लिबरल हैं, वो उस आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हैं, वो उसको एक मैन वुमेन जेंडर इशू बता रहे हैं। आपने पूरे स्ट्रक्चर पे ही सवाल उठा दिया है कि इसमें शायद हम जितने भी लोग हैं हम सब भी किसी न किसी तरीके से इसमें कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं। सभी कर रहे हैं, बिल्कुल सब जिम्मेदार हैं, बिल्कुल कंट्रीब्यूटिंग टू दैट। देखो, किसी भी तुम जानकार सोशियोलॉजिस्ट के पास जाओगे, यहाँ तक कि अगर तुम किसी मंझे हुए पॉलिटिशियन के पास भी जाओगे, तो तुमसे कहेगा कि हिंदुस्तान में सिनेमा पर जिसने कब्जा कर लिया उसने हिंदुस्तानी के मन पर कब्जा कर लिया। हिंदुस्तान में जिसने सिनेमा पर कब्जा कर लिया उसने हिंदुस्तानी के मन पर कब्जा कर लिया, क्योंकि आम हिंदुस्तानी पूरा फिल्मी है, हम बड़े फिल्मी लोग हैं, तो वहाँ पर्दे पर जो हो रहा होता है ना, हम उसको बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में उतारने लग जाते हैं। जब इमरजेंसी लगी थी उस समय एक पिक्चर आ रही थी आंधी, इंदिरा गांधी ने उस पर रोक लगाई, क्योंकि उसमें जो किरदार थे, जो महिला किरदार थी, उनका जीवन कुछ कुछ इंदिरा गांधी के जीवन से मिलता प्रतीत होता था, तो उस पर तो
आपने इमरजेंसी लगा रखी है, सारी ताकत अपने हाथ में ले ली है, उसके बाद भी आपको एक फिल्म पर रोक लगानी पड़ रही है, क्योंकि आपको पता है कि हिंदुस्तानी आदमी पूरा फिल्मी और फिल्म देखेगा और उसका मन बदल जाएगा। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों से तुम पाओगे कि कुछ फिल्में आ रही हैं जो वर्तमान सरकार के पक्ष में हैं, बिल्कुल साफ साफ ऐसी बनाई ही जा रही हैं कि जो वर्तमान सत्ताधीश लोग हैं उनका और महिमा मंडनों उनकी छवि और निखर के आए, और कुछ पिक्चरें ऐसी आ रही हैं जो सरकार को गिराने के लिए बनाई जा रही हैं। मतलब साफ है, लोग इतना तो समझ ही रहे हैं कि पिक्चरों का बहुत तगड़ा असर पड़ता है, तभी तो जो सत्ता में बैठे हैं वो भी पिक्चरों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो सत्ता से बाहर है वो भी पिक्चरों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अभी भी बॉलीवुड में जो पूरा हड़कंप मचा हुआ है वो क्यों मचा हुआ है, क्योंकि ले देकर आखिरी बात ये है कि दो पक्ष कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से बॉलीवुड पर वर्चस्व बनाने की, एक राइट एक लेफ्ट, दोनों में से किसी न किसी को बॉलीवुड पर अपना वर्चस्व बनाना है। तो ये सारी लड़ाई जो चल रही है पिछले दो महीने से सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद से, वो अगर गहराई से देखोगे तो वो बॉलीवुड पर किसका वर्चस्व चलेगा, किसकी प्रभुता चलेगी, ये इसकी लड़ाई है अंदर ही अंदर कि भाई जो पिक्चर आएगी वो लोगों का मन वैसा बना देगी, और पिक्चर बनाने वाले कुछ लोग हैं उन लोगों को कौन अपने खेमे में अपने पक्ष में या अपने अपने हाथ के तले अपनी मुट्ठी के तले दबा लेता है, ये सब चल रहा है। तो पिक्चरों का ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है, ठीक है, संस्कृति का भारत में निर्माण ही जैसे पिछले 50-70 साल में ये फिल्में ही कर रही हों, क्योंकि भाई लोग क्या है, लोग ना तो अब किताबें पढ़ रहे हैं ना कुछ और कर रहे हैं, वो कंटेंट कंज्यूम करते हैं, और पिछले 5 सालों से तो और ज़्यादा, जब से 4G आया है और ये नेट पैक वगैरह फ्री होने लग गए हैं इंटरनेट, तब से सबसे ज़्यादा जो बड़ा कल्चरल फैक्टर है वो तो मीडिया ही है ना, उसमें तुम्हारी फिल्में आ गई, टेलीविज़न आ गया, टेलीविज़न से भी ज़्यादा वेब सीरीज़, लोग ज़बरदस्त इनका कंजम्पशन कर रहे हैं, ये जैसी होंगी लोग वैसे ही बन जाने हैं। इस समय पर हमें बहुत जिम्मेदार लोग चाहिए जो कि इस इंडस्ट्री में आ सकें और सही कंटेंट क्रिएट कर सकें, ये एक आर्ट फॉर्म है और उसे आर्टिस्टिक ही होना चाहिए। अभी वो बन गया है बिल्कुल बाजार में बिकने वाला सबसे घिनौना उत्पाद, कि आपको अपनी हवस मिटानी है फिल्म देख लीजिए, ठीक है, आपको सस्ते हंसी ठहा के मारने हैं फिल्म देख लीजिए, और कोई आपत्ति करे तो कह दीजिए ये तो मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये तो मेरी पर्सनल फ्रीडम और फ्री विल है कि मैं इस तरीके के किरदार निभाती हूँ और ये करती हूँ वो करती हूँ, ये झूठ बोला जा रहा है। आचार्य जी, जब आप कह रहे हैं कि बलात्कार के पीछे या किसी भी तरह की सामाजिक दुर्घटना के पीछे जो कारण है वो तो कल्चर कैसा बना दिया गया वही है, और कुछ लोग हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, एक तरह का कल्चर बना रहे हैं, और अश्लीलता की आपने बात करी, पर मैं अगर मैं अपना इंस्टाग्राम अभी खोल कर देखूँ तो अश्लीलता तो पुरुष भी फैला रहे हैं, वो भी जिम जा रहे हैं, अपनी बॉडी पूरी दिखा रहे हैं, तो ऐसा मैंने उल्टा क्यों नहीं देखने को मिलता है कि वुमेन आर गेटिंग प्रोवोक्ड एंड दे आर रेपिंग मेन? ओ दे आर, दे आर। भाई देखो, कुछ बायोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है, महिला की खुली सहमति के बिना भी उसके साथ संभोग किया जा सकता है, ये तो यौनांगों की बनावट की बात है। पुरुष की अगर खुली सहमति नहीं है तो आप उसके साथ संभोग नहीं कर सकते, ठीक है, ये तो प्रकृति ने यौन अंगों की संरचना ऐसी करी है दोनों की अलग अलग थोड़ी, पर मानसिक तौर पर जब पुरुष ऐसा हो रहा है कि वो अपने आप को बेचने को तैयार है तो स्त्री भी कहीं ना कहीं ऐसी जरूर मौजूद होगी जो पुरुष को खरीदने को तैयार है,
अगर तुम कह रहे हो कि तुमने अपने इंस्टाग्राम पर देखा कि पुरुष भी तो नंगे हो रहे हैं, वो भी अपना शरीर खूब दिखला रहे हैं, तो किसको दिखला रहे हैं? जरूर उनको देखने वाला भी कोई वर्ग मौजूद होगा। ठीक है, मतलब और ये जो देखने दिखाने का काम चल रहा है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कम है, ये व्यापार ज्यादा है। जो लोग इस तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं, इसमें उनको रुपए पैसे का मुनाफा हो रहा है, और रुपए पैसा कमाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर रुपया पैसा किसी का मन खराब करके क्यों कमाते हो भाई? एक बात बताओ, मैं तुमको बेवकूफ बना दूं और उसके बाद तुम खुद ही अपनी जेब से निकाल करके मुझे पैसे दे दो, ठीक है? तो क्या मैंने जबरदस्ती करी है तुम्हारे साथ? नहीं। पर अपराध करा है कि नहीं करा है? तो ये सूत्र सब लोग याद रख लें, जितने लोग ये वीडियो हैं देख रहे हैं वो सब लोग इस बात को समझ लें, हर अपराध जबरदस्ती नहीं करा जाता। और सिर्फ उन चीजों को अपराध मत मान लेना जो जबरदस्ती करी जाती है। मैं इनको बेवकूफ बना लूं और फिर ये अपनी मर्जी से अपना पैसा निकाल करके मुझको दे दें, तो क्या ये अपराध नहीं है? और फिर मैं अपने बचाव में कहूं कि साहब इन्होंने तो स्वेच्छा से अपनी कंसेंट से अपना पैसा निकाल के मुझे दिया है, मैंने क्या अपराध किया? आपने अपराध करा है, आपने पहले उनको बेवकूफ बनाया, फिर उन्होंने अपना पैसा निकाल के आपको दिया। और बेवकूफ बनाने के तरीके हजार होते हैं, उन्हीं में से एक तरीका यह है कि मैं नग्नता दिखाऊं, कामोत्तेजना फैलाऊं, इनके दिमाग को किसी तरीके से हिप्नोटाइज कर दूं, इनके दिमाग को बिल्कुल कुंद कर दूं, इनके दिमाग पर नशा बनकर छा जाऊं, मैं इनके दिमाग पर नशा बनकर छा जाऊं, ये अपनी जेब से मुझे पैसा निकाल कर दे दें। ये सीधे सीधे धोखाधड़ी, फरेब, फ्रॉड, अपराध हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन हम इसको अपराध मानते ही नहीं। जब कोई काम जबरदस्ती किया जाए तो उसे अपराध मानेंगे। मैं इनको पकड़ लूं और इनकी जेब से जबरदस्ती पैसा निकाल लूं तो आप कहेंगे अपराध है, अपराध है। और मैं इनको बेवकूफ बना दूं और फिर खुद ही पैसा निकाल के मुझे दे दे तो आप मानते ही नहीं कि अपराध है। तो अभी ये जो दूसरी तरह के अपराध हैं ये बहुत ज्यादा चल रहे हैं। जो बेचारा कम पढ़ा लिखा वर्ग है वो इस तरह के अपराध करता है कि पकड़ा और पैसे छीन लिए, और जो ये पढ़ा लिखा चालाक वर्ग है ये शातिर तरीके से अपराध करता है। ये तुम्हें पकड़ करके तुम्हारी जेब से पैसा नहीं निकालेगा हाथ डाल के, ये तुमसे ऐसी बातें करेगा कि तुम खुद ही पैसा निकाल करके इसको दे दोगे। इसको भी अपराध माना जाना चाहिए ना? लेकिन साहब जब आप एक स्थूल बॉडी आइडेंटिफाइड अवस्था में जीते हैं तो आप हर स्थूल और ग्रॉस चीज को ही तवज्जो देते हैं। तो ग्रॉस क्राइम है तो उसको आप क्राइम मानोगे, पर सटल क्राइम है उसको आप क्राइम मानते ही नहीं। ये चल रहा है इस वक्त। सटल क्राइम को आप कह देते हैं ये तो कंसेंट की और फ्री विल की बात है, ना उसमें कंसेंट है ना उसमें फ्री विल है, तुमने किसी को बेवकूफ बनाया है, तुमने जानबूझ के किसी के दिमाग पर नशा फैलाया है। इनफैक्ट पॉर्न सिनेमा में भी यही कहा जाता है कि इससे संबंधित मेरे पास एक कमेंट है जो मैं चाहूंगा कि आपके सामने पढ़ूं। कंसेंट के विषय में ही है। व्हेन वुमेन आर बीइंग ऑब्जेक्टिफाइड इन एडवर्टीजमेंट्स, किनका है? तान्या चमोली कोई व्यक्ति है। व्हेन वुमेन आर बीइंग ऑब्जेक्टिफाइड इन एडवर्टीजमेंट्स, डांसेस, मूवीज, कॉलम्स, न्यूज, पॉर्न, सिनेमा एटसेट्रा, इट इज बीइंग डन बाय द कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर, द प्रोड्यूसर, द कॉलमिस्ट, द एक्टर। ये क्या कंसेंट है? लालच को कंसेंट बोल रहे हो आप? कह रही हैं कि जब स्त्रियों को अखबारों में और सिनेमा में और टीवी शोज में ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, उनको सिर्फ भोग की वस्तु बनाया जाता है, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि उसमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और वो जो अभिनेत्री होती है उन सब की कंसेंट होती है। ये मूर्खता की बात है, खुली मूर्खता की बात है। इसमें कंसेंट क्या है? एक आदमी के दिमाग पर पैसे की या दूसरी चीज़ों की हवस छाई हुई है, सच उसको दिखाई नहीं पड़ रहा, हर तरीके का झूठ उसके जेहन को घेरे हुए है, तो इसमें उसकी कंसेंट कहाँ है? बल्कि उसकी तो अभी हालत ये है कि वो ठीक से सोचने समझने के काबिल ही नहीं है।
जो इस हालत में है वो अपनी फ्री कंसेंट कैसे दे सकता है? और क्या कहा है? It is being done by the consent of the director, the producer, the columnist, the actor, the model, the dancer, the audience. धीरे धीरे पढ़िए, नहीं तो लोग समझ नहीं पाएंगे रिकॉर्डिंग में. It is being done by the consent of the model, the dancer, the audience. और फिर उसके बाद कुछ अपशब्द कहे हैं. हाँ हाँ बता दीजिए. Every fucking one involved in the process, irrespective of their gender. When we watch porn, let me tell you, the people in the video agreed on being there. The videographer's consent was also taken. And we are watching it willfully. We all made those choices. No one is being harmed or forced. But when a woman is raped... एक सेकंड. सारी ही बातें गलत हैं. पांच लोग मिल जाएं और सामूहिक रूप से आत्महत्या करें तो आप ये बोलोगे कि no one forced them to make this choice. So let's not object. तब आप उनको क्यों जाके रोक लेते हो बल्कि जेल में डाल देते हो? क्यों डाल देते हो? क्योंकि हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं किस तरह का अबेटमेंट हुआ होगा उनसे. बिल्कुल. वो तो ये तो कह रही है कि लेकिन जब पॉर्न मूवी बन रही होती है तो वीडियोग्राफर और जो उसमें अभिनेता अभिनेत्री शामिल हैं उन्हें अभिनेता अभिनेत्री कहना ही ठीक है. और क्या बोला जाए? पॉर्न एक्टर्स ही बोलते हो उनको, एक्टर बोलते हो पॉर्न वालों को. और जो जो एक्टर कहलाते हैं वो पॉर्न वाले हैं. तो कोई बहुत भेद तो दुर्भाग्यवश बचा नहीं है दोनों में. लेकिन इसमें ये अगर कहा जा रहा है कि ये सब तो उनकी कंसेंट से हो रहा है, इट्स देयर फ्री चॉइस, तो ये जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो अभी चॉइस शब्द का अर्थ ही नहीं समझते, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि चूजर कौन है. हु इज़ द वन हु इज़ चूजिंग? यू आर द वन हु इज़ चूजिंग एंड यू हैव नो इंटरनल फ्रीडम. तो आपकी चॉइस में फ्रीडम कहाँ से आ गई? टू बी इंटरनली फ्री, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल कंडीशनिंग. वो फ्रीडम फ्रॉम कंडीशनिंग जैसी इनको कोई चीज़ पता ही नहीं है. ये अपनी कंडीशनिंग को ही अपनी असलियत समझते हैं. इन्होंने अपने कंडीशनड सेल्फ को ही आई का नाम दे दिया है. फ्री सेल्फ जैसा ही कुछ जानते ही नहीं है. ये कह लो कि इन्होंने कंडीशन सेल्फ को ही फ्री सेल्फ मान रखा है, ये इनकी समस्या है. वही मैं सोच रहा था कि कॉन्सेंट, अभी भी जो रेप की डेफिनेशन है उसमें यही कहते हैं कि कॉन्सेंट इज द की मार्कर. और लीगली भी मैरिटल रेप के केस में बहुत बार वो कॉन्सेंशुअल होता है अगर देखा जाए तो. तो कॉन्सेंट को भी रिडिफाइन करना, उसको भी डीपली प्रूव करना बहुत ज़रूरी है कि आप मतलब फ्री सेल्फ के साथ कॉन्सेंट दे रहे हो या कंडीशन सेल्फ के साथ कॉन्सेंट दे रहे हो. देखो, एक बात तो ये है कि कोई व्यक्ति यूं ही भ्रमित है, नशे में है, कंडीशनड है और इस कारण वो गलत च्वाइसेस कर रहा है. एक ये स्थिति है. एक दूसरी स्थिति है जो इससे थोड़ी अलग है, वो ये है कि आप जानबूझ करके दूसरे व्यक्ति को भ्रमित कर रहे हो ताकि वो आपका माल खरीदे. एक बात यह है कि भाई मैं दुकानदार हूँ, मेरे पास हर तरह का माल है, ठीक है, उसमें कुछ अच्छा माल भी है, कुछ थोड़ा घटिया तरीके का माल भी है, ये सब माल हैं दुकान में रखे हुए हैं. एक ग्राहक आता है और ग्राहक कहता है नहीं मुझे घटिया माल ही चाहिए. आप उसे थोड़ा समझाते भी हो जितना एक दुकानदार की सामर्थ्य है समझाने की, कि नहीं साहब आप अच्छा माल ले लीजिए, लेकिन वो नहीं, उसे घटिया माल ही चाहिए, घटिया माल लेके चला जाता है. ये एक स्थिति है. इस स्थिति में दुकानदार को हम बहुत दोष नहीं दे सकते. दूसरी स्थिति ये है कि ये दुकानदार रखता ही सिर्फ घटिया माल है और इसने बाहर दो चार खड़े कर रखे हैं आकर्षक, बेहूदे, कामोत्तेजक लोग जो कि आते जातों को रिझा रिझा के दुकान में लाते हैं और दुकान में ला करके उनका किया जाता है ब्रेन वॉश और उनको समझाया जाता है कि ये घटिया माल ही बढ़िया है, इसी को खरीदो. समझ रहे हो? और फिर वो जो ग्राहक है वो स्वेच्छा से पैसा निकाल कर घटिया माल खरीदता है. अब क्या आप ये कहोगे कि ग्राहक ने जो करा वो तो फ्री विल से करा, अपनी कंसेंट से करा, ये उसकी चॉइस थी, तो दुकानदार को हम इसमें कोई दोष कोई सजा नहीं दे सकते? ये दुकानदार जानबूझ करके ग्राहक का मन, उसकी चेतना खराब कर रहा है ताकि इसका धंधा चलता रहे. इसमें और पहले दुकानदार में अंतर है, ये अंतर हमें समझना पड़ेगा. भाई कोई खुद ही बिगड़ा हुआ है और इस कारण वो किसी घटिया सामग्री का सेवन कर रहा है, ये एक स्थिति है. और दूसरी स्थिति यह है कि तुम जानबूझ के दूसरे को बिगाड़ रहे हो
ताकि तुम्हारा माल बिके, ये बिल्कुल दूसरी बात है। राइट, क्योंकि उन्हीं पोर्टल्स पे जहाँ पे इस तरह की मूवीज इत्यादि चलती है, वहाँ पे कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट्स भी बिक रहे होते हैं, तो आइडिया यही है कि आप कमर्शियल प्रोडक्ट्स की नहीं बात है यार, कमर्शियल प्रोडक्ट बिके ना बिके वो मूवी ही नहीं बिकेगी, वो मूवी ही नहीं बिकेगी अगर उसमें नंगाई ना हो। तुम ये जो सफल होती हैं वेब सीरीज या ये सब होती हैं, इसमें से मन को खराब करने वाला कंटेंट हटा दो। एक वेब सीरीज है मान लो, कितने घंटे की होती है आमतौर? 20 घंटे की, मान लो 20 घंटे की है, उसमें से वो सारे हिस्से निकाल दो जो मन को दूषित करने के लिए ही उसमें रखे गए हैं, वो हटा दो, और उसके बाद बताओ वो वेब सीरीज चलेगी क्या? वही हिस्से तो ट्रेलर टीजर में, और वही हिस्से ट्रेलर टीजर में होते हैं, उन्हीं हिस्सों को देखने के लिए बंदा पूरी वेब सीरीज देख लेता है, वो इंतजार कर रहा होता है कि वो वाला सीन कब आएगा। तो असली बात तो ये है कि वो जो 20 घंटा है, वो 20 घंटा तो आंखों में धूल झोंकने के लिए, वास्तव में वेब सीरीज है 45 मिनट की, उस 20 घंटे में जो 45 मिनट का तड़केदार माल था वही असली चीज थी, और उसी को देखने के लिए लोग बाकी 20 घंटे को भी झेल लेते हैं। और बाकी 20 घंटे को झेलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लोग अपनी ही नज़र में इमोरल नहीं हो जाना चाहते। अगर सिर्फ वो 45 मिनट देखेंगे तो उन्हें स्वीकारना पड़ेगा कि वो पॉर्न देख रहे हैं, पर 20 घंटे की वेब सीरीज में जब वो 45 मिनट आता है तो आदमी की इज्जत अपनी नज़र में भी बची रह जाती है। आदमी कहता है नहीं, हम तो कल्चरल कंटेंट देख रहे थे, हम तो वेब सीरीज देख रहे थे, वो तो बीच बीच में इसमें इस तरह का मसाला आ गया, गाली गलौज आ गई, ये हो गया, वो हो गया, बलात्कार दिखा दिया, लिपटा छिपटी दिखा दी, पूरी नंगाई दिखा दी, वो तो यूं ही बीच में संयोगवश आ गया तो हमने उसका थोड़ा लुत्फ ले लिया, हमारा कोई इरादा थोड़ी था सिर्फ वो देखने का, हम तो पूरी 20 घंटे की वेब सीरीज देखना चाहते थे। इनसे मैं कह रहा हूँ उस वेब सीरीज में से वो सारा मसाला निकाल दो, फिर देखोगे वो कितनी चलती है। फिल्में हैं पुरानी न जाने कितनी जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं उनके किसी एक सीन की वजह से, सिर्फ वो सीन याद है लोगों को, फिल्म का नाम भी नहीं याद होगा, सीन याद होता है उसकी सेलिंग, वो डायरेक्टर ने फिल्म बनाई ही नहीं थी, वो सीन बनाया था बस बाकी सब तो उसके आसपास की सीजनिंग थी, वो सीन है बस, वो 4 मिनट का जो सीन है डायरेक्टर ने कुल वो बनाया है, बाकी तो उसके आसपास धनिया प्याज टमाटर ये सब रख दिया है कि ये सब अपना यूं ही है प्लेट को भरने के लिए। आचार्य जी, अभी तक जितनी बातचीत हुई उससे ये निकल के आ रहा है कि जो वो गलत काम करता है जो व्यक्ति, वो हाँ मैनिपुलेटेड होता है, ब्रेन वॉश्ड होता है, वो एक ऐसे कल्चर से निकला होता है जहाँ पर उसको हाइपर सेक्सुअल बना दिया गया होता है, जहाँ पर वुमेन उसके लिए शरीर की तरह होती है, और दूसरी तरफ आप एग्रेसिव मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का उदाहरण दे रहे हैं, तो क्या हम इन दोनों पॉइंट्स की तुलना जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत नहीं है कि वी आर कंपेयरिंग रेप विद एडवर्टाइजिंग? नहीं, कैसे? मैं समझाऊंगा। आपने बताया कि एडवर्टाइजमेंट जो है, जो वो दुकानदार है जो बुला बुला के बार बार बता रहा है कि मैनिपुलेट कर रहा है लोगों को, उसी तरीके से जो एक रेपिस्ट भी है वो भी मैनिपुलेटेड होता है इन कल्चरल प्रोडक्ट्स की वजह से, जहाँ पे उसको अश्लीलता परोसी जाती है, तो उसमें मैनिपुलेशन का एलिमेंट इन्वॉल्व होता है, पर क्या इन दोनों पॉइंट्स को कंपेयर करना ठीक है कि एक जहाँ पे एडवर्टाइजिंग हो रही है? कंपेयर ये नहीं करा जा रहा है कि ग्राहक बेचारा मासूम था और निर्दोष था, इसी तरीके से रेपिस्ट बेचारा मासूम है और निर्दोष है। रेपिस्ट को तो वहाँ खड़ा कर दिया हमने और हम चाहते हैं कि उसको तगड़ी से तगड़ी सज़ा मिले, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि और रेपिस्ट पैदा ना हो। ये जो बलात्कार कर रहा है इसको तो कानून दे कड़ी से कड़ी सज़ा, इसकी हिम्मत कैसे हो गई किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब करने की, बल्कि ज़िंदगी ले ही लेने की, इसने तो मार ही डाला, फिर कर कैसे दिया ये काम? इसको तो मतलब जो भी ऊंची सज़ा हो ऐसी कि दूसरे लोग थर्राएं, बेशक दे दो, लेकिन मुझे ये बताओ जो अगला बलात्कार होने जा रहा है उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, और वो जो अगला बलात्कारी है क्या हम जानना नहीं चाहते कि उस बलात्कारी को पैदा कौन कर रहा है? मैं ये कह रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में आया होगा कि तुलना, क्योंकि ये महिला भी यही पूछ रही है कि मतलब हाउ कैन यू कंपेयर समथिंग लाइक, वो समझ ही नहीं रही है क्या बात बोली जा रही है। कंपेयर वंपेयर क्या होता है?
मेरा इरादा इस पर उंगली उठाने और उसको सजा देने का नहीं है। मैं जो ये चीज़ें होती देख रहा हूँ, मैं इनकी समाप्ति चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ अपराध हो, बलात्कार हो, मैं इनकी समाप्ति चाहता हूँ। और अगर मुझे इनकी जड़ से समाप्ति चाहिए तो इनका जो मूल कारण है मैं उस तक पहुँच करके उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। बलात्कार के एक मामले पर शोर मचाने से क्या होगा? तुम आज शोर मचाओगे, कल चार मामले और सामने आएंगे। समझने की कोशिश तो करो कि इन बलात्कारियों की पैदाइश कहाँ से हो रही है, किस फैक्ट्री से निकल के आ रहे हैं ये जानने की कोशिश तो करो पहले। एक और बात आचार्य जी कही जाती है जो इन्होंने भी मेंशन करी है कि एक चीज और है इसमें, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि बलात्कार के पीछे एकमात्र कारण यही है कि लोग फिल्म देखते हैं और फिर जा करके रेप कर देते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल देख पा रहा हूं कि लोग ये वीडियो देखेंगे, कहेंगे वो फलाना बलात्कारी था वीरेंद्र लाल, उसका मामला सुर्खियों में आया था सन 2002 में, और वीरेंद्र लाल ने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी फिल्म नहीं देखी थी लेकिन फिर भी उसने 18 बलात्कार किए। तो अब बताइए भाई, कौन कह रहा है कि सिर्फ फिल्मों का उस पर प्रभाव पड़ता है? उस व्यक्ति पर किसी और चीज का प्रभाव पड़ा होगा? प्रभाव पड़ा, पर प्रभाव तो पड़ा ही है ना। कुप्रभाव, कुप्रभाव। मैं उस प्रभाव को रोकना चाहता हूं, क्योंकि आप इतना तो मानोगे कि वो जो 6 महीने का बच्चा है वो बलात्कारी नहीं है, या अगर उसके भीतर कोई बलात्कारी बैठा भी है तो बीज रूप में, वृत्ति रूप में बैठा है अधिक से अधिक। अभी उसके भीतर का बलात्कारी सक्रिय तो नहीं हुआ है, अभी उसका राक्षस जगा तो नहीं है। तो कौन है जो उसके भीतर के बलात्कारी को सक्रिय करता है, उसके राक्षस को जगाता है? मैं ये जानना चाहता हूं। वो जगाने वाला फिल्में भी हो सकती हैं, कोई और भी हो सकता है, मैं नहीं इनकार कर रहा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ फिल्मों से पैदा हो रहे हैं, कहीं और से भी हो रहे होंगे। जहां और से हो रहे हो हम उनकी भी चर्चा करेंगे, हमें वो कारण भी देखने हैं, हमें उन कारणों पर भी रोक लगानी है, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि तुमने इन देवी जी की बात की जो कह रही है कि नहीं फिल्मों का तो कोई रोल नहीं है, तो मैं इसलिए सिर्फ फिल्मों की बात कर रहा हूं। ये गलत कह रही है, और ये गलत ही नहीं कह रही है, ये बेईमानी भरी बात कर रही है, बहुत बेईमानी भरी। तो एक बात तो, दूसरी एक बात ये भी होती है कि किस तरीके से आप अपने घर के बच्चों को परवरिश दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। हाँ बिल्कुल, किस तरीके से आप, बिल्कुल, कौन कह रहा है कि सिर्फ फिल्मों से पैदा होते हैं रेपिस्ट? घर का माहौल बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो अगर कोई मेरे पास आएगा और कहेगा कि नहीं साहब घर के माहौल से कोई अंतर नहीं पड़ता, तो मैं उसे आधे घंटे ये बताऊंगा कि घर के माहौल से बहुत अंतर पड़ता है। कोई आकर के मुझसे कहेगा, जैसे अभी ये देवी जी कह रही हैं कि नहीं साहब मैं पर्दे पर वाइब्रेटर चलाऊं, कुछ भी करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं आधे घंटे तक इनको बोलूंगा नहीं फर्क पड़ता है। क्योंकि जो आदमी कह रहा है कि घर के माहौल से फर्क नहीं पड़ता, झूठ बोल रहा है। घर के माहौल से बिल्कुल फर्क पड़ता है, परवरिश संस्कार से बिल्कुल फर्क पड़ता है, और वो जो फिल्मों का पूरा प्रभाव है वो भी जबरदस्त है। दोनों बातें, तीसरे और चौथे भी प्रभाव होंगे, कोई पांचवा प्रभाव भी होगा, हमें उन सब की बात करनी चाहिए। क्योंकि अभी हमने ये चर्चा करी इस विषय पर, ये बात मेरे जहन में है, तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ इस पर। ये एक कमेंट में आता हुआ देख रहा हूँ कि रेप तो हजारों साल से होते हैं, महिलाओं पर हर तरीके का शोषण होता है, तो ये वेबसरी तब तो नहीं होती थी 500 साल पहले। भाई आज किस वजह से हो रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। बल्कि अगर तुम बात करोगे कि पहले भी रेप होते थे, तो अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि 6 महीने का बच्चा होता भी है, तो उसके भीतर भी संभव है कि बलात्कारी बीज रूप में हो, वृत्ति रूप में हो। पर उस बीज को सींचता कौन है, उसमें खाद कौन डालता है, हम ये जानना चाहते हैं। देखो उसके भीतर बीज रूप में बलात्कारी बैठा है, इस बारे में हम कुछ कर नहीं सकते। गर्भ से वो पैदा ही ऐसा हुआ है, हम क्या करें, क्या कर सकते हैं? इंसान है, इंसान के जीन्स ऐसे, हम क्या कर सकते हैं उस बारे में? क्या पुरुष लिंग में कुछ ऐसा इनहेरेंटली कुछ एग्रेसिव होता है सेक्सुअलिटी के प्रति? तो होता ही है ना, प्रकृति चाहती है कि तुम्हारी प्रजाति आगे बढ़ती रहे, तो इसके लिए प्रकृति ने तुमको ऐसा बनाया है कि जहां देखोगे स्त्री तुम चाहोगे कि तुम उसको गर्भवती कर दो, ताकि तुम्हारा जो डीएनए वो आगे बढ़ता रहे। भी तुम्हारा डीएनए आगे बढ़ने की संभावना मैक्सिमाइज कैसे होगी? फॉर दैट यू हैव टू इम्प्रेगनेट मोर एंड मोर विमेन।
तो प्रकृति ने पुरुष लिंग को बनाया ही ऐसा है कि वो चाहता है, उसके भीतर का जो पशु है वो चाहता है कि वो अलग से ज्यादा महिलाओं को जा करके इम्प्रेगनेट करे। और आचार्य जी आप कह रहे हैं कि कल्चर संस्कृति की जिम्मेदारी है कि भीतर का पशु जो है ये ये बात कि ये संस्कृति की जिम्मेदारी ये है, या ऐसे कह लो कि संस्कृति दो काम कर सकती है, या तो तुम्हारे भीतर ये जो जानवर बैठा है जो चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा औरतों में अपना बीज फैला दूं, या तो वो इस पशु को शांत कर दे, इस पशु को शिक्षित कर दे, इस पशु को ज्ञान दे दे, या संस्कृति, उसे अपसंस्कृति कहेंगे फिर, या फिर संस्कृति ऐसी भी हो सकती है कि वो इस जानवर को और उत्तेजित कर दे और उसे बलात्कारी ही बना दे। खेद की बात है कि अभी हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है कि हमारे भीतर बीज रूप में जो जानवर होता है वो उस जानवर को शांत करे, शमित करे। अभी हमारी संस्कृति ऐसी है कि हमारे भीतर के जानवर को और पागल कर देती है, और बौरा देती है, वो और ज्यादा नशे में आकर हिंसक हो जाता है और बिल्कुल इधर उधर भाग करके उन्माद करने लगता है। आपके ही जो लिसनर्स हैं यूट्यूब पर बहुत बार उनसे बात हो रही होती है काउंसलिंग के लिए, तो बताते हैं कि आपका वीडियो देख रहे होते हैं और नीचे या बैनर के रूप में या वीडियो के बीच में कोई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग जो उनको सेक्सुअली प्रोवोक कर दे ऐसा एक ऐड आ जाता है, कुछ आ जाता है। तो कल्चर इस वक्त जो है वो तो दूसरे ही तरीके का है, जो आपके बीज को नहीं, भस्म करने की दूसरों का तरफ। छोड़ दो ना कि हमारे वीडियो के बीच में ऐड आ जाता है, ये बात की बात है, हमारे ही वीडियोस में कितने खेद की बात है, अगर हमारे टाइटल में सेक्स वर्ड है तो उस वीडियो के बहुत व्यूज हो जाएंगे। सबसे ज्यादा एक वीडियो है जिसके शीर्षक में वीर आता है वो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। एक वीडियो के शीर्षक में हवस शब्द आ गया अगर तो चलता ही जाएगा, और मैं भगवद गीता पर बात करूंगा वो वीडियो नहीं आगे बढ़ेगा। दुनिया का कोई दार्शनिक नहीं जिस पर बात नहीं करी मैंने, ठीक ऊंचे से ऊंचे जो ग्रंथ हैं उन पर सैकड़ों घंटों बोला है मैंने, उनका कोई नाम लेवा नहीं है। ये तलाशते रहते हैं कि सेक्स और इस तरह का कुछ वीडियो मिल जाए तो देख लें, तो ये तो जो आम आदमी का पूरा स्वाद है, टेस्ट है, वो बिगाड़ तो दिया ही गया है, इसमें कोई शक नहीं। ये बहुत रीसेंट लगता है, मतलब सोशल मीडिया जिस तेजी के साथ आगे बढ़ा है उस तेजी के साथ था ये सोशल हमेशा से, अभी और बढ़ा है, हम ये नहीं कह सकते पहले बिल्कुल नहीं था, पहले भी था, लेकिन अभी तो जबरदस्त तरीके से समझ लो आग में घी डाला जा रहा है। मतलब मैं घर गया था कुछ दिनों पहले तो देख रहा था कि जो डेली सोप होते थे जो पहले, क्योंकि सास भी हाँ बहू, अब तो डेली सोप में भी रोमांटिक सेक्सुअल सीन्स आ गए हाँ हैं विच हाँ इज बिल्कुल अनइमेजिनेबल, क्योंकि हाँ दादी और मम्मी देख रही हैं, तो आप उसमें हाँ सेक्स सीन कैसे डाल सकते हैं। हाँ देखो अभी एक चीज और समझना, कला की तरह सेक्स को प्रदर्शित करना बिल्कुल एक बात होती है, ठीक है, कि भाई मानव जीवन का एक अंग ये भी है यौनाचार, सेक्सुअल एक्टिविटी, तो उसको आप दिखा रहे हैं क्योंकि उसको दिखाने का आपके पास जायज कारण है, ये है लाइफ क्योंकि ये है आप जो दिखा रहे हैं उसमें एक ये क्रिएटिव इम्पेरेटिव है कि आपको एक सेक्सुअल सीन दिखाना पड़ेगा, सेक्सुअल थीम रखनी पड़ेगी, वो एक अलग बात है, लेकिन आप जानबूझ करके सेक्सुअल मसाला डाल इसलिए रहे हो ताकि आपकी फिल्म चले, क्योंकि लोग उस सेक्सुअल मसाले को देखेंगे और तुरंत उत्तेजित हो जाएंगे, ये बिल्कुल दूसरी बात है, इन दोनों बातों में अंतर करना जरूरी है। मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूं कि आप जबरदस्त तरीके से सेंसरिंग कर दें और कोई भी सेक्सुअल कंटेंट फिल्मी पर्दे पर आने ना दें, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं, पूरी लिबर्टी होनी चाहिए, लेकिन वो आर्टिस्टिक लिबर्टी होनी चाहिए। अभी जो ये लिबर्टी है, दिस इज द लिबर्टी ऑफ अ बूचर टू किल एन एनिमल, दिस इज द लिबर्टी ऑफ अ स्काउंड्रेल टू चीट एन इनोसेंट, ये किस तरीके की लिबर्टी है? आर्टिस्ट के पास लिबर्टी होनी चाहिए? चीट के पास लिबर्टी होनी चाहिए क्या? रेपिस्ट के पास लिबर्टी होनी चाहिए? आई मस्ट हैव द लिबर्टी टू रेप? अगर रेपिस्ट के पास रेप करने की लिबर्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो आर्टिस्ट के पास रेपिस्ट प्रोड्यूस करने की लिबर्टी क्यों होनी चाहिए?
आर्टिस्ट को पूरी लिबर्टी दी जाए, आर्टिस्ट वाकई अगर आर्टिस्ट है और वो पर्दे पर एक पूर्ण नग्न दृश्य भी दिखा रहा है, कोई बात नहीं, हो सकता है बल्कि अच्छी बात हो, हो सकता है वो दृश्य ऐसा निकल करके आए कि दर्शकों की चेतना को किसी और ही आयाम में ले जाए, ये बिल्कुल हो सकता है और मैं उसका समर्थक हूँ, पक्षधर हूँ, पर वो फिर एक विशुद्ध आर्टिस्टिक चीज़ होनी चाहिए। अभी जो आप पर्दे पर नग्नता देखते हो वो आर्टिस्टिक नहीं है, वो वल्गर है, उसमें एस्थेटिकली भी कुछ भी प्लीजिंग नहीं है, वो देखने में भी बहुत बुरी लगती है, उसमें कोई सौंदर्य नहीं है, एक तरह का फेटिश है, फेटिश है और वो बाजारू है, वो सिर्फ इसलिए है ताकि किसी को नोट मिल जाए। इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में ही, मुंबई में कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, वो बताते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि स्टोरी तैयार है और स्टोरी के हिसाब से फिर संगीत लिखा जाता है या फिर दृश्य उस तरीके से डाले जाते हैं। बने बनाए गाने होते हैं और बने बनाए सेक्सुअल सीन्स होते हैं, उनको आप बस कहीं कहीं के फिट कर देते हैं और उसको फिर आप जब उस गाने को, और एक ऐसा गाना जो एकदम हस्की रोमांटिक वॉइस में गाया गया है और उस पर दर्शाया गया एक सेक्सुअल सीन, देखो नतीजा क्या निकल रहा है, नतीजा ये निकल रहा है कि जितने भी चालाक और बाजारू लोग हैं वो बन गए डायरेक्टर और पटकथा लेखक, स्क्रिप्ट लिखी जा रही है उसके द्वारा जो राइटर नहीं है वो क्या है, वो एक बाजारू आदमी है, ठीक है, वो स्क्रिप्ट राइटर है, वैसा ही डायरेक्टर है, जबकि फिल्म मेकिंग एक आर्ट फॉर्म है ना, सो एन आर्टिस्ट शुड बी डूइंग इट, आर्टिस्ट यहाँ कोई नहीं है, ये घटिया तरीके के बिजनेसमैन है। और बिजनेस में भी क्या बुराई है अगर बिजनेस फेयर एंड स्क्वेयर हो, ये बिजनेस भी कैसा कर रहे हैं, इनका बिजनेस लूट मार का, धोखेधड़ी का बिजनेस है, समझ रहे हो, तो वो चीज ठीक नहीं। इसी तरीके से अभिनेता अभिनेत्री कौन बन रहे हैं, अभिनय करना तो एक ऊंची कला है ना, पर अभी अभिनेता कौन है, जिसने सिक्स पैक ऐप निकाल लिया अभिनेता हो गया, 6 फीट हाइट होनी चाहिए, हॉर्स राइडिंग आनी चाहिए, स्टंट देने आने चाहिए और यहाँ एब्स होनी चाहिए, भले मुंह से डायलॉग बोलना नहीं आता, चेहरे पर कोई भाव नहीं आता, लेकिन आप एक्टर कहलाएंगे। इसी तरीके से अभिनेत्री कौन है, गोरी होनी चाहिए, स्तन भारी होने चाहिए और नंगी होने को तैयार होनी चाहिए, अभिनय का अ नहीं पता और वो अभिनेत्री कहलाएगी, बिल्कुल अभिनेत्री कहलाएगी, फोटोशूट कराना आना चाहिए बस, फोटोशूट करा ले वो अभिनेत्री हो गई। भाई ये हम आर्टिस्ट्स की बात कर रहे थे, आपने उसको क्या बना दिया, हम आर्टिस्ट्स मांग रहे थे ना, आर्टिस्ट्स की जगह आपने क्या खड़ी कर दी, कहते हैं एक्टिंग तो कोई बात नहीं, एक्टिंग तो डायरेक्टर करा लेगा, आप छोड़ो, डायरेक्टर खुद एक्टिंग जानता नहीं, एक्टिंग क्या करा लेगा। लोग एक्टिंग देखने आ रहे हैं क्या कि एक्टिंग कराए डायरेक्टर, न डायरेक्टर को एक्टिंग करानी है न लोग एक्टिंग देखने आ रहे हैं, अंदर की बात यह है कि सबको खाल और मांस देखना है, लेकिन हम जरा इज्जतदार लोग हैं तो हम ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि जब हम अब मूवी भी देखने जाते हैं या जब हम वेब सीरीज देख रहे हैं तो भीतर ही भीतर इंतजार तो खाल और मांस का रहता है, और खाल और मांस ना दिखे तो हमारा मन उचट जाता है, हम कहते हैं बोरिंग है। नहीं, खाल हो मांस हो या किसी तरह की और उत्तेजना, सनसनी, कुछ और मसाला होना चाहिए, चाहे वो काम संबंधित मसाला हो या कोई और मसाला हो, वो ना मिले तो फिर हमारा मन लगेगा नहीं देखने में। इस मामले में YouTube पर कुछ ईमानदार कमेंट्स होते हैं कि जैसे 2 घंटे की मूवी है तो एक कमेंट आके कर देता है, यू आर हेयर फॉर दिस मिनट टू दिस मिनट। ये सही है बिल्कुल, 2 घंटे की मूवी डली हो तो उसमें नीचे कमेंट में कोई साफ साफ बता दे कि भाई 47वें मिनट से 48.5वें मिनट तक मसाला है, बाकी क्यों बेकार में देख रहे हो, वही तो असली चीज है जिसके लिए तुम आए हो। देन देयर पीपल थैंकिंग, अरे भाई थैंक यू, भाई थैंक यू, भाई थैंक यू, वक्त बचा दिया तुमने हमारा।